आया बेचने वाला आइसक्रीम क्या लाल लाल बिकता था पहले एकदम रुआ जैसा। माई तनी एक रुपया दे, भागो भागो यहाँ से। वो सब याद, वो पल, वो समय। आपके सामने जिस शख्स का अभी फोटो दिख रहा है, ये भोजपुरी के एक सुपर स्टार पावर स्टार पवन सिंह है। पिछले दिनों हमने एक वीडियो बनाया था कि खेसारी लाल यादव से पवन सिंह का या पवन सिंह से खेसारी लाल यादव का मुकाबला भाई आखिर क्यों करते हो। पवन सिंह के पास जैसे ही वो पैदा हुए थे उसी टाइम से उनके पास एक बेहतरीन आवाज था गले में, जिसको हम आज ये मानते हैं कि उनके गले में माँ सरस्वती एकदम साक्षात विराजमान है। और खेसारी लाल यादव के पास कुछ नहीं था, और कुछ नहीं था कि यहाँ से आज खेसारी लाल यादव इतने बड़े स्टार स्ट्रगल और मेहनत के कारण बने हैं। तो आइए आज जानते हैं कि पवन सिंह अपने लाइफ में और क्या क्या देखे थे, और आज पवन सिंह कहाँ हैं, और आज पवन सिंह किस तरह से गाते हैं। तो पैदाइशी के दिनों में जो पवन सिंह का गले से आलाप निकलता था और जो आज निकलता है उसमें काफी चेंजिंग तो नहीं है, मतलब कि जो शुरुआत में था उनका वही सुरीला आवाज आज तक आते गया। हालांकि थोड़ा सा उम्र के अनुसार लोगों का आवाज थोड़ा सा और मोटा होते जाता है, तो पवन सिंह का आवाज और सुरीला होता गया। और अगर इनका कंपेयर करना है तो उन बड़े बड़े सुपर स्टारों से करना पड़ेगा, जो बड़े सुपर स्टार अपने आप को बॉलीवुड में एक इतिहासकार, अपने आप को एक बड़ा सा बाहुबली सिंगर के रूप में लेते हैं, उनसे पवन सिंह का कंपेयर करना चाहिए। दोनों का कंपेयर हमें यहाँ पे करना चाहिए। ये जो सिंगर आपके सामने दिख रहे हैं, ये बॉलीवुड और पंजाबी के बहुत लंबा आलाप लेने वाले एक सिंगर है जिनका नाम सुखविंदर सिंह है। और ये कैसा गाते हैं जरा सा इनको सुनिए। मर जावा। सुन लिए, अब इनके बाद हम यही गाने को पवन सिंह के आवाज में सुनते हैं। तो भैया, पवन भैया थोड़ा सा आके गा दीजिए। सुनिए जो तेरे ना अब आप अपने कमेंट सेक्शन में ये लिख के बताएं कि आपको दोनों का आवाज में सबसे सुरीला कौन सा लगा। हमको तो भाई अपने अपना जगह पे दोनों का दोनों बेहतरीन लगा। और बात करेंगे कि जैसे खेसारी लाल यादव पहले बहुत गरीब हुआ करते थे, सेम सिचुएशन भाई पवन सिंह का भी था। खैर, वो इतना नहीं कर पाते थे कि उनसे लिट्टी चोखा बिक जाए, पवन सिंह में ये वाला कलाकारी नहीं था, लेकिन गरीबी तो भाई दोनों के पास था। तो गरीबी का एक आलम पवन सिंह का ये भी था कि वो एक रुपया के लिए अपने घर में बर्फ या फिर हवा मिठाई जब आता था उनके गांव में बिकने, तो एक रुपया के लिए पवन सिंह तरसते थे। और अपने माँ के पास जब मांगने जाते थे तो माँ बोलती थी कि बेटा ये सब जो है ना, ये फालतू चीज है, तो ये सब मत खाया करो, तबीयत खराब हो जाता है। कुछ आया बेचने वाला आइसक्रीम क्या लाल लाल बिकता था पहले रुआ जैसा। माई तनी एक रुपया दे, भागो भागो यहाँ से, सब चीज ना खाए के नुकसान करी। वो सब याद, वो पल, वो समय। तो भाई देखिए, सिचुएशन दोनों का सेम था। और आज अगर आप देखिएगा तो बॉलीवुड के बेहतरीन बेहतरीन सिंगर जो पवन सिंह को मानते हैं और ये कहते हैं कि भोजपुरी का सबसे बड़ा गायक पवन सिंह ही है, और इनके ना रहने के बाद शायद ऐसा कोई पवन सिंह जिसका आवाज एकदम पवन सिंह टाइप का हो वो पैदा शायद कोई नहीं हो पाएगा। चाहे तो आप किन्हीं के बारे में बात कर लीजिए, चाहे वो सोनू निगम हो, चाहे उदित नारायण हो, चाहे वो फिर गुरु रंधावा हो, सबने पवन सिंह को माना है। और आज पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री भी पवन सिंह को एक शेर मानता है जिसकी गायकी में इतना दम है कि वो एक छोटा सा आलाप लगा देना तो चाहे तो इंस्टाग्राम हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे यूट्यूब हो, हर एक जगह पे ट्रेंड कर जाता है। बाकी आपको कैसा लगा दोनों का आवाज जो हम आपको सुनाए, उसके बारे में थोड़ा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय मगध, जय बिहार।